CRPF organized a cultural program in sports stadium Doda last night as a part of week-long cultural event. The event was attended by a swathe of people and famous Bollywood singer Jaspinder Narula was the main artist of the function. Neeraj Pandey Commandant 76 Battalion told that organizing the event was a challenging job as big artists do not agree to perform in rural areas. But since it was arranged to pay tribute to martyrs, so everything became possible. कठिन और दुर्गम क्षेत्र में आने के लिए वो तैयार हुई और आज उन्होंने आपके सामने परफॉर्म किया। पुलवामा की घटना के बाद इस देश का सेंटीमेंट थोड़ा बदल गया था और मेरी ही वाहिनी जो आपकी बटालियन है डोडा की 76वीं वाहिनी, उस घटना में हमने अपने 5 जवानों को खोया था जिनके फोटोग्राफ आपके सामने लगे हुए हैं, तो ये उन्हीं को एक श्रद्धांजलि थी। आज डोडा के हमारे करीब 3000 लोग इकट्ठा हुए उस श्रद्धांजलि सभा में, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और ये एक बहुत अच्छा गेस्चर था आप लोगों की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, सभी की तरफ से एक बहुत अच्छा सहयोग मिला। सीआरपीएफ वालों ने जब हमें कांटेक्ट किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए और ख़ास करके हमारी जो फोर्सेस हैं, मैं उनसे बहुत ही ये कह लें कि एक तरह से अटैच्ड हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का कोई कार्य हो कि हमें उसके लिए याद किया जाए, बुलाया जाए, तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। बहुत बड़ा हादसा हो गया उन दिनों में और वो जो हुआ उसका जो है इतना इम्पैक्ट जो था हम लोगों पे पड़ा कि फिर हम लोग सब जो हैं उसमें सब के सब जो हैं बिल्कुल चुप बैठ गए और शोक में चले गए। फिर कुछ समय के बाद फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि हमारे शहीदों को जो है एक श्रद्धांजलि दी जाए, तो उस रूप से उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये टूर जो है वो डिसाइड किया गया और मैं इसका हिस्सा हुई, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ।